झिरण ग्राम के अंदर कृषि भूमियां हैं 613, 14, 15, 16 और 617, 18। इस सर्वे नंबर की भूमि में जो प्रार्थी शिकायत करता है यूसुफ पिता फखरुद्दीन बोरा, इनके परदादा के टाइम से उस ज़मीन पे इनका पोजीशन चला आ रहा है और इस ज़मीन को लेकर, इस ज़मीन को जिसको विक्रय किया है प्रकाश राव, उसके बाप दादाओं ने इनके दादाजी के खिलाफ उस ज़मीन से कब्जा प्राप्त करने की कार्रवाई 1951 में तहसील न्यायालय में शुरू करी थी। तो वो मामला राजस्व मंडल तक चला और राजस्व मंडल ने इनके दादाजी को पोजीशन के आधार पर मालिक घोषित किया। उसके अगेंस्ट 1969 में सिविल न्यायालय में प्रकाश राव के पिताजी शंकर राव आदि ने इनके दादाजी के खिलाफ सिविल सूट फाइल किया था। तो उस सिविल सूट के निर्णय में भी कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी थी कि ये कब्जे के आधार पर मालिक हो गए हैं, इनको सारे स्वत्व प्राप्त हो गए हैं, कोई अलग कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है और उन लोगों का दावा खारिज कर दिया था। ये कार्रवाई चलते चलते माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इंदौर में चली। तो इंदौर में 2004 में हाई कोर्ट ने डिसीजन देते हुए इस प्रकाश राव के पिता के द्वारा पेश किया गया वाद को निरस्त करने के निर्णय को सही ठहराते हुए इनके हक में अपील स्वीकार की थी, जिसके खिलाफ प्रकाश राव और अन्य लोग, इसके परिवार के लोगों ने सिविल सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में अपील कर रखी है, जो वर्तमान में पेंडिंग है। तो इस ज़मीन में लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से इस प्रकाश राव, इसके बाप दादाओं के समय से इनका पोजीशन नहीं रहा है। इसकी कार्रवाई के लिए ये सुप्रीम कोर्ट तक कार्रवाई कर रहे हैं और माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार ये मालिक थे। चूँकि इस प्रकरण में हुआ यूँ कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग था और ये लोग कोर्ट की प्रक्रिया का पालन करते हुए इन्होंने मात्र राजस्व रिकॉर्ड में प्रकाश राव और अन्य का नाम चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग होने की वजह से इन्होंने मालिक होते हुए नामांतरण की कार्रवाई कराना शेष थी। इस बात का फायदा उठाकर प्रकाश राव और हरदेव भाटी, सत्य प्रकाश पिता नंदलाल पाटीदार जीरण और नंद किशोर पिता उदयराम जी कुलमी जीरण और इसमें पटवारी और मुकेश बामनिया तहसीलदार साहब, इन सब ने षड्यंत्र करके उक्त जमीन का विधि विरुद्ध बंटवारा किया। बंटवारा के लिए इस प्रकाश राव ने जो आवेदन लगाया उसमें विपक्षी इसके भाइयों को और अरविंद वगैरह को बनाया, किसी का भी एड्रेस नहीं लिखा गया, वो सभी जीरण के बाहर के हैं। उनको किसी को बिना सूचना दिए अगली तारीख पे बंटवारा फर्द आ गए, जबकि बंटवारा फर्द का नियम यह है कि जो भी खातेदार हैं उनको सबको सूचना, इतनी जल्दबाजी में बंटवारा फर्द आ गई। और सबसे बड़ी हास्यास्पद बात यह रही बंटवारे की कार्यवाही में कि एक नंद किशोर पिता उदयराम जी पाटीदार, ये व्यक्ति इन ब्राह्मण परिवार के विपक्षी जिनको बना रखा था, उनकी तरफ से तहसील न्यायालय में उपस्थित हुआ और उसने कहा, उसके इस प्रकार की प्रोसीडिंग है कि मैं उसकी ज़मीन की देखरेख करता हूँ और मेरे को अधिकार है, और उनकी उन विपक्षियों की उपस्थिति तहसीलदार ने नंद किशोर के मार्फत स्वीकार कर ली। इनके कथन कब लिए गए कोई प्रोसीडिंग में हवाला नहीं है। और इस ज़मीनों का जो ज़मीन विक्रय करनी थी वो प्रकाश राम के नाम पे बंटवारा में की और बाकी इसके दूसरे भाइयों के रख दी, जिसपे कुछ ज़मीनों पे मकान बने हुए हैं। तो ये षड्यंत्र वहाँ से शुरू हुआ और फिर इस नंद किशोर पाटीदार, जो कि उस बंटवारे की कार्रवाई में गवाह था और इन विपक्षी की तरफ से उपस्थित होकर वो फर्जी बंटवारा कराया, इसके पुत्र सत्य प्रकाश पाटीदार और हरदेव भाटी ने बिना कब्जे के आदान प्रदान के और गलत जानकारी देते हुए विक्रय पत्र का पंजीयन रजिस्टर कार्यालय नीमच में कराया। उस विक्रय पत्र में प्रकाश राव ने लिखाया कि कोई भी न्यायालय में विवाद पेंडिंग नहीं है, जबकि 1950 से मुकदमे चल रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इन्हीं लोगों ने अपील पेश कर रखी है। ये चीज़ उन्होंने झूठ लिखाकर 420 करी। दूसरा, इन लोगों का कब्जा कोर्ट में, इनके बयान है और कोर्ट से रिलीफ चाहते हैं कब्जे के लिए। इस ज़मीन पर इनका कभी कब्जा रहा ही नहीं, तो इस कब्जा देने का कथन भी रजिस्ट्री में गलत लिखा है। और हरदेव और सत्य प्रकाश ने कब्जा लेने का कथन, तो इतनी बड़ी शासन के कागजों में 420 करी, एक आपराधिक षड्यंत्र करते हुए किया। और नंद किशोर ने एक झूठा शपथ पत्र बंटवारे की कार्रवाई में करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है और आज ये ज़मीनों की कीमतें बढ़ गई हैं। तो इस प्रकार के भूमाफिया सक्रिय होकर, जिसमें कोई उनको अधिकार नहीं है, विधि कानूनी रूप से वो रजिस्ट्री जरूर हो गई पर इसके मालिक नहीं है, पर इस ज़मीनों को विवादित करके या फिर कब्जे की धमकियां देकर कब्जा करने का प्रयास करके अवैध लाभ पहुंचाने के लिए जो कार्य किया है, उसके लिए आज जो दस्तावेज हैं और तहसीलदार जिस लेवल का अधिकारी होता है, जिस विधिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, जो नियम बने हुए हैं उनका कोई पालन नहीं किया, तो प्राइमा पेशी ये प्रतीत होता है कि उनको लाभ पहुँचाने के लिए कार्रवाई की गई। हाँ, ये पूरी गलत जानकारी वहाँ दी गई प्रकाश राव द्वारा,
बंटवारे की, जबकि उनको मालिकाना हक ही नहीं है, केवल रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो हैं। और दूसरी चीज़, पटवारी की ड्यूटी होती है कि कभी भी बंटवारा फर्द की कार्रवाई के लिए मौके पे जाए, कब्जे की स्थिति, उस प्रक्रिया का पालन भी पटवारी ने नहीं किया। अगर मौके पे जाकर आप स्थिति का पता करते हैं, क्योंकि पूरे उस ज़मीन को बाघ वाली माना जाता है और इनके परिवार को पूरे जिरण में बाघ वाला के नाम से जाना जाता है, तो ये साफ दिख रहा है दस्तावेजों में कि सभी की मिलीभगत थी। क्योंकि कोर्ट से जीता हुआ व्यक्ति कानून का सम्मान करते हुए कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ चल रहा है, और अगर इस तरह की कार्रवाई करके ये भूमाफिया लोग और ये पटवारी और तहसीलदार के संरक्षण में ऐसे काम में अगर ये संपन्न हो जाते हैं, इनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाती है, तो फिर की कोर्ट के निर्णय और डिक्री की तो कोई वजूद नहीं रह जाएगा। हाँ नहीं, साहब से बात हुई है, पहले भी एक रिपोर्ट SP साहब को की गई थी, उस समय ये बंटवारे की कार्रवाई का पटवारी और तहसीलदार की जो इन्वॉल्व होने की जानकारी नहीं थी, ये विस्तृत रिपोर्ट दी है और उनसे बात की तो उन्होंने कहा है कि उच्च अधिकारियों से जांच करा के और न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी, ये आश्वासन दिया है।